प्लास्टिक पॉट्स, थर्मोफॉर्म पॉट्स बेस्ट होते हैं हमें अपने गार्डन में नर्सरी के लिए, सीडलिंग्स लगाने के लिए या छोटे पौधे ग्रो करने के लिए, जब तक कि हम उन्हें बड़े पॉट्स में शिफ्ट नहीं कर देते। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये पॉट्स आप कहां से ख़रीद सकते हैं, क्या कॉस्ट पड़ती है इसकी, और इसका यूज, इसके फ़ायदे, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये प्लास्टिक थर्मोफॉर्म पॉट्स होते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज होते हैं। इनमें हम किसी भी प्रकार की सीडलिंग्स लगाते हैं। अगर आपके जैसे बेल वाले पौधे हैं तो उनकी सीडलिंग्स आप डायरेक्ट इसमें ग्रो कीजिए, और उनमें जब 5-6 पत्तियां आ जाएं, वो 1 फुट का पौधा आपका करीब हो जाए, तो उसे आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए अपने ग्रो बैग में, जिसमें भी आप उसे लगाना चाहते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जैसे आप टमाटर, बैंगन, मिर्च के पौधे लगा रहे हैं, उनकी सीडलिंग्स लगा रहे हैं, तो आप उनको भी इसमें सीडलिंग्स लगा सकते हैं, या फिर इस प्रकार मेरी तरह सीडलिंग ट्रे से निकाल के आप इन पॉट्स में लगा के उन्हें बड़ा कर सकते हैं, और कुछ पौधे जब ग्रो करने लग जाएं तो आप इन्हें ग्रो बैग्स में शिफ्ट कर दीजिए। इस पॉट से निकाल के पौधों को शिफ्ट करना बहुत ही ईजी होता है, पौधे ट्रांसफ़र शॉक में या शिफ्टिंग शॉक में नहीं जाते हैं। आप ये देखिए, इसका पिछला वीडियो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था और ये पौधा मेरा इतना बड़ा हो गया। अब मैं इसे अपने ग्रो बैग में शिफ्ट करूंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे शिफ्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप भी ये पॉट लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये पॉट दोस्तों 4 इंच का है और एक पॉट की कीमत करीब 7 से 8 रुपये पड़ती है, और ये चलता भी दोस्तों अच्छा है, तो इसका ये फ़ायदा है। तो दोस्तों आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस थर्मोफॉर्म प्लास्टिक पॉट में हमें अपने पौधों को कैसे शिफ्ट करना चाहिए, पूरी डिटेल्स के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इसका काफ़ी सारे होल्स बने हुए हैं बॉटम में, और इसमें हम अपना सॉइल मिक्सचर, जिसमें कि हमें अपने पौधों को शिफ्ट करना है, इसको भर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने ये भर लिया है। अब इसमें हम, ये मेरा शिमला मिर्च का पौधा है जिसे मैं सीडलिंग से ग्रो कर रहा हूँ, तो इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। किसी टूल्स की मदद से हम इसमें से एक पौधा निकालेंगे इस प्रकार, और इस पौधे को हम इस प्लास्टिक पार्ट, थर्मोफॉर्म पार्ट में, ये देखिए इसके रूट्स आपको दिख रहे होंगे अच्छे हैं, तो इन्हें हमें करना कुछ नहीं है, बस मिट्टी भर के थोड़ी गहराई में इसे हमें इस पॉट में शिफ्ट कर देना है इस प्रकार। और शिफ्ट करने के बाद इसमें पानी देने, वाटरिंग कर देनी है अच्छे से, और वाटरिंग करके इसे किसी शेडेड प्लेस पे रख देना है 2 दिन तक, जिससे कि पौधा हमारा अपनी शिफ्टिंग शॉक जो होती है इनिशियल स्टेज की, उसको रिकवर कर ले, और पौधा एक बार अपनी पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगे तो आप इसे फिर धूप में रख सकते हैं, और धूप में रख देना चाहिए जिससे कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण हो और वो कंपोस्ट, जड़ उसकी कंपोस्ट को ले सकें और पौधा ग्रोथ कर सके। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्लास्टिक थर्मोपॉट को जब हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं कुछ इस प्रकार, जब इस तरह पौधे हो जाएंगे इसमें, तो जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो इसमें से शिफ्टिंग कितनी ईजी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ग्रो बैग है जिसमें मैंने मिट्टी तैयार कर रखी है। सीडलिंग मिक्स किस प्रकार तैयार करें, ये आपको
ऊपर राइट साइड पे आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस ग्रो बैग में हमने मिट्टी तैयार करके भर ली है, 50% गार्डन सॉयल और बाकी 50% में हमने काउ डंग कंपोस्ट और कोकोपीट, साथ में थोड़ा सा मैंने राइस हस्क भी यूज किया हुआ है। तो इस प्रकार आप इसे इसमें जगह बना लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा पॉट है थर्मोफॉर्म, जिसे ये देखिए ये दब जाता है आसानी से। इसको हल्का हल्का प्रेस करके आपने यूं करके इस तरह से हल्का ठोकेंगे तो ये देखिए पूरी दोस्तों इसकी रूट्स मिट्टी के सहित बाहर आ जाती है। और हमने इसको इसमें इस प्रकार जो भी होल हमने बनाया है इसमें रख के उसे मिट्टी से ढक देना है। अब ये पौधा दोस्तों किसी प्रकार के ट्रांसफर शॉक में नहीं जाएगा, इसको आप डायरेक्ट भी सनलाइट में रख सकते हो अभी से। बस इसमें हमने वाटरिंग करनी है और इस पौधे को आप, ये ट्रांसफर शॉक में नहीं जाएगा। इस प्लास्टिक थर्मोफॉर्म पार्ट का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें से हम पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।